हेलो जी, मैं हादिया का मामू बोल रहा हूँ। अम्मा जी को ओके। मैं आ रहा हूँ। सारा तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। मैं उसको इतना समझाती हूँ, मैं कहती हूँ पढ़ाई पे फोकस करो, उसका हर वक्त शॉपिंग और चीजें। समीना, शौकत नजर नहीं आ रहा है। भाभी अभी यही थे, देवी कहीं होंगे। जी हो सकता है दोस्तों से बात बात कर रहा जी जी हूँ। और कैसी हैं आप? अच्छा, सारा की ये आपको पता है नर्सरी से फ्रेंड है। अच्छा, बताया था ना, सना अच्छा अच्छा सना ये है सना। ओके, खाना खाया आपने फिर से? अच्छा तुम एक बार कॉल तो करो, देखो अच्छा है कहाँ मैं वो। कॉल करती हूँ। मेरा फोन मैं लेके आती हूँ, अपने उधर रखा हुआ है। अच्छा लेकर आओ। तो और क्या क्या कर रही हो आजकल तुम? मेरी सांसों का तो कोई भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी अमानत तुम्हारे सुपुर्द कर दूँ। बाप ही बेटी के लिए बहुत सायादार दरख्त होता है, जो उसे गर्मी, धूप और दुनिया की हविजशुदा नजरों से बचा सकता। मैं हादिया को अपने साथ कैसे ले जा सकता हूं? मेरी फैमिली है, बीवी है, मेरी एक बेटी है। और हादिया, हादिया तुम्हारी बेटी नहीं है। गलती मेरी बेटी की थी, जिसने तुम्हें बताया ही नहीं। कर मेरे अबूढ़े कांधे ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तुम हादिया को अपने साथ ले जाओ शौकत। दुनिया मैंने भी देखी है और तुमने भी। तुम शायद ये बात मुझसे ज्यादा जानते हो। बेटी के लिए उसके बाप के घर से ज्यादा महफूज साहिबान कोई और हो ही नहीं सकता शौकत। बाप का साया अगर एक बेटी के सर पे ना हो तो दुनिया वालों के लिए एक आसान हदफ होता है, जो उसे नोचे, झंझोड़े, उसकी इज्जत से खेले या उसे फिर जिंदा दरगोरी क्यों ना कर दे। आप ठीक कह रही हैं। आसिम, तुम शहनाज को ले जाओ और हादिया का जरूरी सामान पैक करवा दो। शौकत, अगर आज मेरी आंखें बंद भी हो गईं, तो मैं सुकून से मर सकूंगी।